सो so, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज बीएससी बैचलर ऑफ साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कोर्स के बारे में जैसा कि आप सबको पता है सेंट जेवियर्स कॉलेज काफी रेपुटेड कॉलेजेस में से एक है काफी स्टूडेंट्स इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन उन्हें बी एस कोर्स का एलिजिबिलिटी क्रिटेरिया नहीं पता होता ना ही उन्हें यह पता होता है कि कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं सो so इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे सो so स्टार्ट करते तो so सबसे पहले हम बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में जैसे कि आप सबको पता है सबसे पहले आपको एक मुंबई यूनिवर्सिटी फॉर्म फ़िल करना होता है उसी के बाद आपको जेवियर्स फॉर्म फ़िल करना होता है जेवियर्स फॉर्म आपको अगेन इसलिए फिल करना है क्योंकि मुंबई यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काफ़ी मल्टीपल कॉलेजेस आते हैं सो so जिस कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए आपको उसका फॉर्म फ़िल करना होता है नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है एंट्रेंस टेस्ट सो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना होता है क्योंकि बीएससी आईटी कोर्स आपका एंट्रेंस टेस्ट रिक्वायर्ड है नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है फीस पे एंट्रेंस के बाद आपका एडमिशन हो जाता है सो आपको फी पे करनी होती है उसके बाद आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करते हैं डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए सो so आगे बढ़ते हैं सो so अब हम बात करते हैं जेड जेवियर्स एंट्रेंस टेस्ट के बारे में ड्यूरेशन आपका रहेगा बी एस कोर्स के लिए वन पॉइंट आवर्स का सो वन पॉइंट आवर्स का आपका एग्जाम होने वाला है जिसमें आपके सेवेंटी मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे ठीक है

सो सिक्सटी एंड फोर्टी परसेंट आपका मार्क्स कैलकुलेट करके आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है उसी के बेसिस पे आपको अपनी रैंक देखने को मिल जाती है सो so, अब आगे बढ़ते हैं सो so, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जैसे कि आपको पता है कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट्स होता है जिसे मैथमेटिक्स कहते हैं आर्ट स्टूडेंट्स इस कोर्स को नहीं कर सकते पीसीएम स्टूडेंट्स कर सकते हैं कॉमर्स प्लस मैथ के स्टूडेंट्स बीएससी आईटी कोर्स को कर सकते हैं सो so, जैसे हम देखते हैं ट्वेल्थ में आपके ट्वेल्थ में आपके फोर्टी मार्क्स होने कंपल्सरी हैं मैथमेटिक्स आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स हो गया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बोर्ड और इट्स सो बिहार सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स भी इस कोर्स को कर सकते हैं सो so, बात करते हैं आपका 60 आपका 60 वेटेज रहेगा ट्वेल्थ के मार्क्स जिसके बेसिस पे आपकी रैंक लिस्ट अलॉट होगी और आपका कॉलेज में एडमिशन होगा सो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस के बारे में कि बी एस में आपके कौन कौन से सेक्शन पूछे जाएंगे सो so, जैसे

नेक्स्ट आपका आएगा जनरल नॉलेज सो जनरल नॉलेज जिसमें आपके फिफ्टी परसेंट मार्क्स आपसे पूछे जाएंगे इस सेक्शन में आपका क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी एंड करंट में जो भी चीज़ें अभी आपकी चल रही है रिसेंटली सो so अभी रिसेंट में ही वर्ल्ड कप भी जीता गया है इंग्लैंड के द्वारा सो so आपको पता होना चाहिए सारी रिसेंट एक्टिविटीज के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए आप देख ही रहे हैं मैथमेटिक्स को सबसे ज्यादा वेटेज दी गई है सो so इसमें आपको सबसे ज्यादा वर्क करने की जरूरत है so सो इसी में आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए डाउनलोड कर सकते हैं हायर एजुकेशन एप्लीकेशन जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो अब आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स के बारे में क्योंकि बी एस काफ़ी पॉपुलर कोर्स है इस कोर्स में काफ़ी करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लिए रहती है तो इसमें टोटल सीट्स आपकी रहती है सिक्सटी सिक्सटी सीट्स आपको देखने को मिल रही हैं इसका साफ मतलब है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी होगी मैनेजमेंट कोटा की सीट्स आपकी रहती हैं फिफ्टीन परसेंट नेक्स्ट है आपका क्रिश्चियन माइनॉरिटी क्रिश्चियन माइनॉरिटी को फिफ्टी परसेंट सीट्स आपको दी जाएंगी मतलब काफ़ी ज़्यादा सीट्स माइनॉरिटी वाले स्टूडेंट्स को ऑफर की गई है नेक्स्ट है आपका जनरल कैटेगरी सो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए काफी टफ है क्योंकि फोर्टी टू ही आपको सीट्स दी गई है अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में आपको दिख ही गया है कि काफी नॉमिनल फीस है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज जहां पर दो लाख तीन लाख आपकी फीस रहती है लेकिन 1.5 पॉइंट फाइव आपका प्रॉपर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा सारी रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल गई होगी बी एस कोर्स के बारे में अगर आप एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं सो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हायर एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करके लाइव लेक्चर के थ्रू आप की प्रेपरेशन कराई जाएगी सो so, आपको देखी गया है लाइव लेक्चर्स आपकी रहेंगी हंड्रेड प्लस आपके मॉक टेस्ट यहाँ पे प्रिपेयर किए जाते हैं स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स ताकि कोई भी स्टूडेंट कहीं पे भी लैक ना करे नेक्स्ट है आपका स्टडी मटेरियल स्टडी मटेरियल आपका स्पेशलाइज किया जाता है बाय आर फैकल्टी सो नेक्स्ट है आपका डाउट सेशन डाउट सेशन रखा जाता है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स लाइव क्लासेस में डाउट्स नहीं क्लियर कर पाते हैं उन्हें डाउट होता है कि कहीं मैं क्वेश्चन पूछूं तो कोई ये ना सोचे कि मुझे ये नहीं आता सो so इसी के लिए उनके लिए डाउट सेशंस भी कंडक्ट किए जाते हैं ताकि कहीं पे भी उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर एग्जाम अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट है क्योंकि रीजनिंग का जो सेक्शंस आता है हर जगह आपको प्लस माइनस करके कैलकुलेशन नहीं करना होता कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको आनी चाहिए कि ब्लड रिलेशन स्पेशली या एल्फाबेट टेस्ट में इस टाइप का जो है काम आता है नेक्स्ट अब आपका फ्री डेमो क्लासेस आप अभी डाउनलोड करके अभी चेक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जुड़ जाइए सो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा सो बाय बाय टेक केयर ऑल द बेस्ट